हाय गाइस, रिसेंटली कर्नाटका ने गिग वर्कर्स के लिए एक लॉ लाने का प्रयास किया है और बहुत ही जल्दी से लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस करा जाएगा। इस वजह से गिग जो इकोनॉमी है, गिग जो वर्कर है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गिग वर्कर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम गिग इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। जो गिग इकोनॉमी है शॉर्ट टर्म या कॉन्ट्रेक्चुअल इकोनॉमी की बात करता है, और जो गिग वर्कर होते हैं वो शॉर्ट टर्म वर्कर होते हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है। इन रिसेंट ईयर्स इसका जो गिग वर्कर्स जो हैं इन रिसेंट ईयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी में जब से लाइक प्लेटफॉर्म्स लाइक ओला, उबर, इस तरह के जब से प्लेटफॉर्म इंडिया में आए हैं तब से जो गिग वर्कर्स हैं ये काफ़ी बढ़ गए हैं, या नेचर ऑफ द वर्क जो है काफ़ी चेंज हो गया है। इसके सर्टेन बेनिफिट्स भी हैं। अगर हम इनकी बेनिफिट्स की बात करते हैं तो अगर हम इम्प्लॉय की जो शॉर्ट टर्म वर्कर्स हैं अगर उनके बेनिफिट की बात करें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक ये जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये गिग वर्कर्स के लिए है। साथ में ये एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह जॉब करते हैं। मतलब इन्हें कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि इन्हें इस दिन काम करना है, इस दिन नहीं करना है। अब हम जो भी एम्प्लॉयर हैं जो गिग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट उनके लिए ये है कि उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स जो नॉर्मल एम्प्लॉय को देते हैं उन्हें नहीं देना पड़ता है। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, पेड वेकेशंस। इससे जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें बहुत सारे मतलब इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन उन्हें बहुत बेनिफिट होता है और कंपनी के कॉस्ट को सेव करता है। लेकिन इसके साथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि वी नो दैट कि मोर देन 90% जो एम्प्लॉई हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, और वो उनका जो हेल्थ इंश्योरेंस जो कवरेज है बहुत ही कम है या वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर इस तरह का एम्प्लॉयमेंट का चलन जो है अपन यहाँ पे बढ़ता है तो ये बहुत ही बड़ा एक रिस्क होगा सोसाइटल स्टेबिलिटी के लिए। इस समस्या को डील करने के लिए रिसेंटली राजस्थान ने ऑलरेडी गिग वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए एक लॉ पास किया था। एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क लॉ था। अगर हम गिग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जो काफ़ी फेमस है, जैसे जो मैटो, ओला, उबर एट्सेट्रा, लेकिन हमें पता है कि इन द फ्यूचर जो गिग वर्कर्स होंगे वो मैनीफोल्ड इंक्रीज होंगे क्योंकि बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म अपने देश में आएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके रिगार्डिंग कोई सेंट्रल लॉ पास करे ताकि इनके बेनिफिट्स को प्रोवाइड किया जा सके। लाइक हेल्थ इंश्योरेंस जो भी बेनिफिट्स हो, ताकि इनकी फ्यूचर को सिक्योर करा जा सके।